ये शहजेब बुक सेंटर नवाबाद में आ चुके हैं दूसरे साइड से घूम फिर के। कितना लंबा पड़ा है बता, अगर यहाँ से डायरेक्ट आ जाते इन्होंने ये रात को तकरीबन 8 बजे दरवाजे ही बंद कर देते हैं, तो हमें फिर घूम के आना पड़ता है पूरा। तो भाई का इनका रेट भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सरमत वाले जो हैं वो अंदर जो हैं, तो देखते हैं अच्छा इनका लगाना ज़रा हिसाब किताब क्या बनता है आपको भी दिखाते हैं भाई। कितने तो ये देखो भाई लाइन से लगाई हुई इन्होंने यहाँ पर। आप ईसा फाइज हैं कह रहे हैं, आप ईसा फाइज हैं क्या कह रहे हैं आप, लाना तो आप क्या कह रहे हैं, आप ईसा फाइज हैं लाना तो आप पे क्या कह रहे हैं लाना तो आप पे। भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। खैरियत से होंगे जो आपने एक वीडियो बनाई थी बड़ी इंग्लिश मारी थी यार। हां वो भाई वो एक मेरी वीडियो थी, वो मैंने चैट जीपीटी से सारा उसका सिस्टम निकाला था और फिर 3-4 दफा प्रैक्टिस के बाद मैंने बोल क्या बात है। हे एवरीवन, आई रिसेंटली विजिटेड अस्कर रेस्टोरेंट which is right next to Yum Bakers here in Vashkent. They have got an awesome menu. I tried their steaks, white kadai, naan and kebab. Sasti si thi lekin it's so. Confirm jannati hai, confirm jannati hai. Assalamu alaikum, welcome back to another Sasta vlog. तो यार अभी जो है ना वो आए हुए हैं नवाबाद में, मेरी अभी कॉलेज से छुट्टी हुई है और आज मैं गलती से मोबाइल लेके आ गया था। तो अभी जो है ना वो मैं अपनी प्रैक्टिकल बुक्स लेने जा रहा हूँ और आपको दिखाते हैं कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल सब की जो है वो बुक्स वगैरह कहाँ से मिलती हैं। और मुझे डर लग रहा है कि हम इस तरह जा रहे हैं कहीं मेरा मोबाइल जो है ना वो बिच ना हो जाए, कोई मेरा फंस ना दे। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि दुकान किधर है। और अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा बाजार रहता है। तो ये है किस जगह पे यार, और ये बिल्कुल हम ब्रो शुरू में आने वाले हैं। ये मेरे साथ मेरा दोस्त है जो ये बाइक पे बैठा है, जीप पे, इसने हेलमेट लगाया है ना कि यहाँ जरूरत नहीं है, मैं भी इसने लगाया हुआ देता हूँ। खराब हो जाएगा, मैं माँ बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई तो शहजेब बुक सेंटर पहुँच चुके हैं और यहाँ से लेते हैं बुक्स वगैरह और देखते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, मैकेनिकल की प्रैक्टिकल बुक्स दिखा रहे हैं सेकेंड ईयर। ये शहजेब बुक सेंटर नवाबाद में आ चुके हैं दूसरे साइड से घूम फिर के। कितना लंबा पड़ा है बता, अगर यहाँ से डायरेक्ट आ जाते इन्होंने ये रात को तकरीबन 8 बजे दरवाजे ही बंद कर देते हैं, तो हमें फिर घूम के आना पड़ता है पूरा। तो भाई का इनका रेट भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू सरमत वाले जो हैं वो अंदर जो हैं, तो देखते हैं अच्छा इनका लगाना ज़रा हिसाब किताब क्या बनता है आपको भी दिखाते हैं भाई। कितने टोटल 7-1 होंगी, 5-1 फिजिक्स होती है ना, फिजिक्स नहीं है सेकंड ईयर मैकेनिक्स, वो फिजिक्स नहीं चलती मैकेनिक्स की, ये सादा रहते हैं। ये ले लो तुम ऐसी, मैं अपने साथ एक बॉडीगार्ड चलो ये गन ही निकालना, अच्छा गन ही निकाल डर जाएंगे अंकल। या अल्लाह खैर करी, ओ बच गए भाई, चल जो पैसे बचे उसकी हम जाके ना यहाँ पर ही एक फेमस है चाट वाला, वो चाट खाएंगे। टोटल 7 कॉप किया इसकी, ये 7 है, एक और कोई काम है वैसे, एक मैकेनिक्स, अब वो कुछ शादी ले लेते हैं, चलो वो हम पूछ दिखा दें, कोई भी दे दें दिखा दें, चल जाएगी यार, चेंज हो जाएंगी अगर नाम खराब ना हो तो फिर चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मैकेनिक्स हमें एक वो अजीब सा बंदा पढ़ा रहा है। A few moments later. अच्छा गाइस, तो मैं अभी आया हुआ था ना शहजेब वाले पर, ये नवाबाद में दुकान है बिल्कुल फ्रंट पे ना, तो इसने मुझे जो है वो किताबें 1600 रुपए की दी हैं। ठीक है, मैं अंदर गया था उसके पास, क्या नाम है उसका, नाम क्या है, सरमद, सरमद वाले का, कहते हैं आप 300 का हिसाब लगाओ, जाने दे सीधे जाने दे, उसने कहा कि आप 300 का हिसाब लगाएं, 7 बुकें हैं, 7 × 3 = 21, वो 2100 रुपये बन रहे थे। तो ये इसका रेट ठीक है, वो अंदर वाला लूटता है यार। तो अगर वैसे कोई देखेगा नहीं, अगर कोई परफेक्ट वाला देख रहा हुआ तो मेरी तरफ से एडवाइस है आप अंदर की तरफ आए, ठीक है, इसका शहजेब का रेट ठीक है मेरी तो, तरफ से भी गाइस को बता, हाँ ये बस हमें ये भी बोल रहे हैं कुछ गाइस, तो, मेरी तरफ से भी एडवाइस है, ये एडवाइस, क्या एडवाइस है, ठीक है कि इधर मार्केट में है ना, तो आप बाइक चलाएं पुंडी ना मारें, ठीक है, ये एडवाइस है।
इसके ऊपर पी लगा देना ठीक है, पी लगाना किसी का गाली दी है भाई मैंने बोला फोन ही मार। अच्छा अच्छा, तो गाइस अभी जो है वो यहाँ पर फेमस चाट वाला बाहर, तो रील भी बनाएंगे जिसमें जो है वो हम आपको पता है आजकल फूड ब्लॉगिंग छोटी मोटी सी स्टार्ट की भी है, सो वो भी बनाएंगे, अपना ब्लॉग भी स्टार्ट रखते हैं। सो लेट्स गो एंड चेक करते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो 80 की भी है, 220 के कौन से ले लाऊं, जो आपका दिल करे जितना आपका बजट है। अबे दोनों ले सकता हूँ, ये आप पीछे पीछे मैं देखता हूँ भाई क्या हिसाब किताब है। तो अच्छा बात सुन, किताबों को तो पकड़ना, टांग दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, एक प्लेट 220 का ठीक है। तो ये देखो भाई लाइन से लगाई हुई इन्होंने यहाँ पर। अच्छा भाई तो किया कल मेरा वो गिर गया ना, क्या कहते हैं जी, एटीएम के बाद मेरी ओहो उसके ये नहीं बोलना था। अच्छा जल्दी मिक्स करो जरा एक ना, मुझे नवाला चखाओ जरा कैसा है। जरा लोगों ने इतनी यहाँ पर आग बनाई है वीडियो की, बहुत अच्छी 17 चीज़ों से बनी हुई चाट, आज हम चेक करते हैं कि कैसी है चाट। ये 220 रुपए की आप क्वांटिटी देख सकते हैं गाइस, मुकाले पनवेल निकल रहे हैं मिक्स ही नहीं हो रहा फिलहाल यार खिला नहीं यार। ए, सारी उम्र में खराब हो जाएगा मैं भाग। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। खिला रहे खिला रहे यार मेहरबानी कर, मैं बताऊंगा ना कैसा है। अब बदतमीजी की ना कसम से मैं चाबी निकालूंगा भाई यार अल्लाह कसम से थूक डालूंगा मैं गाइस मेरा प्यार चेक करे चल गई क्या ख्याल है ठीक है मजेदार। और गाइस तो हम जा रहे हैं घर वापस, 9:00 से हम हो गए हैं फ्री, तकरीबन हमें 10-15 मिनट का यहाँ टाइम लगा है, नहीं ज्यादा लग 10 मिनट लगे हैं, तकरीबन 40 मिनट हुए हैं, 8:00 छुट्टी हुई थी। अब मुझे पता नहीं 9:00 तो 9:00 तक तो पहुंच जाएंगे घर, या 50 40 मिनट हो गए हैं ना करो। हाँ तो यार मैंने ना असल में बड़े दिनों से ना कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, अभी जब से रफी लवल चल ही रहा था। ओए तेरे में घुस गया हूँ आस्ता तो यार जब से रफी यार आस्ता हिलाना, तो यार जब से रबी रवल स्टार्ट हुआ था ना तब से मिलाद वगैरह और इसी तरह के कंटेंट आ रहे थे, तो मैं अभी टाइम नहीं मिल रहा, वीडियोस पड़ी हुई है लेकिन मतलब एडिट करने का दिल ही नहीं करता यार, पता नहीं कैसा दिल है कि बंदा मोबाइल यूज़ करता है चार्जिंग मुक्ति है फिर चार्जिंग पे लगाता है फिर यूज़ करता है, बस यही चल रहा है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, तो कमेंट करना है, लाइक करना, शेयर करना, और यार इस तरह के अगर आप चाहते हैं छोटे मोटे से ब्लॉग व्लॉग तो बनाएंगे आपके लिए ठीक है। बाकी अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मैं घर आ गया हूँ और ये मेरा जो बॉडीगार्ड है घर जाने लगा है। ओके ये देखो शेरा, शेरा सबसे ऊपर कौन है, सबसे लेवल किसका आई है शेरा सबसे ऊपर कौन है आप अफसर चल यार ये अपने कल ले गया ना इसका राइफल इसको क्या बोलते हैं गन M416 में कल ले आऊंगा AK-47 बस ये चीज वो पीछे चली गई। ओके अल्लाह हाफिज़। मैं भी जो हूँ घर गया हूँ, तो ये भी मुझे मिलने आया, रुक जरा बात सुन के कह रहे थे अभी मैं व्लॉगिंग चढ़ा रहा है और क्या कह रहे थे, और मेरी सारी वीडियोस देखनी है और आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही है और अब कहाँ जा रहे हो, अब वीडियो में आ रहे हो, कुछ करना चाहोगे आप अपनी, आप ये देखें गाइस ये इसके पास स्टंट मार रहा है 3-2-1 अभी कह रहा था मुझे घर छोड़ के, बस 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 ठीक है भाई टायर तुम्हारा फ्यूज हुआ है, आ गए हो घर, अब मैं जाऊँ बस ठीक है, अभी व्लॉग में आ गए हो हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। अब आ जाएगी वीडियो ठीक है, तुमने कह दिया ना, मुझे लगा कोई वीडियो देखता ही नहीं है, अब बच्चे ने बोला तो अब तो आ जाएगी।